जो टॉपिक है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कैपेसिटर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटर के अंदर मान लो तीन शीट्स हैं मेटल की, मैंने Q1, Q2 और Q3 चार्ज दे दिया। अब होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो अंदर इंडक्शन होएगी, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर और इधर, इधर और इधर, इधर और इधर, अपने आप डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे कितना चार्ज होगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। अगर इसका एक्चुअल मेथड पे जाएंगे जो कि बहुत लंबा है, वो ये कहता है कि क्योंकि ये मेटल की बनी हुई शीट्स हैं, हमने करना नहीं वैसे ये, ना एनसीईआरटी ना मेंस कहीं काम नहीं आएगा, जस्ट ट्रिक बता रहा हूँ। क्योंकि ये मेटल की बनी हुई शीट है, कोई भी पॉइंट मेटल के अंदर ले लो, ई पक्का क्या आएगा इसमें, जीरो, मेटल के अंदर ई जीरो आता है, तो जहां ई निकालना है वहां प्लस वन। तो अब क्या करेंगे, इस चार्ज चार्ज की वजह से ई राइट होगा, प्लस प्लस को रिपेल कर रहा है जैसे, और ये चार्जेस सारे वेक्टर कहां लगाएंगे, लेफ्ट लगाएंगे, फिर ये वेक्टर इसके इक्वल करेंगे, और ई का फॉर्मूला शीट का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, इक्वेट करके सभी चार्जेस में रेशियो आ जाएगी, क्योंकि सिग्मा का होता है चार्ज अपॉन एरिया। फिर सेम इक्वेशन इसके लिए लगाएंगे, यहां भी ई जीरो है, तो ये वाले जो चार्जेस हैं 1, 2, 3 वो ई राइट लगाएंगे और ये वाले लेफ्ट लगाएंगे, फिर यहां ई जीरो है, ये सब करने के बाद चार्जेस की वैल्यू आएगी। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम देखेंगे भी इस टॉपिक को, हम एक शॉर्टकट करेंगे, और ये शॉर्टकट जो आया वो इस प्रूफ से ही आया, प्रूफ से आया। क्या शॉर्टकट है, शॉर्टकट ये है कि अगर आपके पास दो प्लेट्स हैं, ठीक, इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।